के संचालक महोदय, आज इस निःशुल्क देश वितरण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सीडीओ साहब, मंच पर उपस्थित डीएसए साहब, खंड विकास अधिकारी एबीएसए, यहाँ पे आए हुए हमारे प्यारे बच्चे तथा पत्रकार बंधु, साथ में समूह से जुड़ी हुई समस्त महिलाएं जिन्होंने ड्रेस को बनाने में अपना योगदान दिया है, मैं सबका आज इस कार्यशाला इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। एसजीएसवाई बहुत पहले एक स्कीम चला करती थी, उसके बाद एनआरएलएम आई, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके बारे में खंड विकास अधिकारी नीति जी ने काफी अच्छी तरीके से बताया है। जो भी महिलाएं हैं अधिक से अधिक अगर इसमें जुड़ती हैं तो उनको आजीविका मिलेगा। जैसे एक उदाहरण आपके सामने है कि घर में जो महिला हमारे समूह के साथ जुड़ी है उसके घर में जो भी बच्चे हैं अगर वो सिलाई का काम कर रही हैं तो उनको भी हम इसमें जोड़ करके उनको सिलाई के माध्यम से, उनको तमाम एक्टिविटी के माध्यम से ट्रेनिंग दिला करके हम लोग रोजगार मुहैया कराएंगे, जिससे उनको आजीविका मिले और उनकी गरीबी दूर। ये हमारा कार्यक्रम है और उसी कार्यक्रम का एक ये अंग है जिसमें बीएसए साहब की मदद से जो भी ड्रेस वितरण का कार्यक्रम हुआ हमारे समूह की महिलाओं के माध्यम से सिलाई करके जिसको बांटा गया है। हम लोगों ने एक लक्ष्य लिया है कि 54,000 ड्रेस पूरे जनपद में बांटेंगे, सिलाई करके उसको बांटेंगे, लेकिन शेष जो भी ड्रेस है वो हमारे बीएसए साहब के माध्यम से ही वो वितरण होगा। आज के इस कार्यक्रम को देख करके मुझे ये उम्मीद बधी है कि नहीं, हमारी जो महिलाएं हैं समूह में जो जुड़ी हैं, अगर और कोई सीखना चाहती है कि नहीं हम सिलाई सीख लें और इससे जुड़ जाए, तो हम यहाँ के जो भी खंड विकास अधिकारी हैं या जो हमारे एनआरएलएम की टीम है, मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि वो सूची बना लें और बनाने के बाद उनको हमारे यहाँ भिजवा के मैं उनको सिलाई की ट्रेनिंग दिलवा दूंगा। समय काफी व्यतीत हो चुका है और ऐसी स्थिति में मैं इन्हीं आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, प्यारे बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।